हेलो गाइस, वेलकम टू रीति डिफाइन। पिछले वीडियो में वी डिड एन इंट्रोडक्शन टू क्यूरा और हमने उसका बेसिक लेआउट जाना। अभी इस वीडियो में वी विल सी हाउ टू इंपोर्ट एन ऑब्जेक्ट और किसी भी मॉडल को ओरिएंट कैसे करते हैं टू गेट बेस्ट पॉसिबल प्रिंट्स। सो लेट्स बिगिन। पिछले वीडियो से कंटिन्यू करते हुए, जैसे कि आपको पता ही है, क्यूरा एक ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर है विथ वाइड वेराइटी ऑफ फंक्शंस एंड एक्सटेंशंस अवेलेबल। हम इसको अब डिटेल्स में जानेंगे। आपने अपना प्रिंटर सेट कर लिया होगा, तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉडल को सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कैसे करें। यहाँ पर फाइल में ओपन फाइल पे क्लिक करें। हम अपने 3D मॉडल को लोकेट कर सकते हैं क्यूरा में। STL, OBJ, 3MF एंड सो ऑन, ये सारे फाइल्स ओपन हो जाते हैं। या फिर हम यहाँ पे अल्टीमेकर के लोगो के नीचे ये फाइल जैसा आइकॉन पे क्लिक कर सकते हैं, तो भी फाइल ओपन हो जाएगी। और इससे भी सिंपल ऑप्शन है ड्रैग एंड ड्रॉप का। आपकी फाइल साइज़ अगर बड़ी होगी तो लोड होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, बी पेशेंट। मॉडल को डिफरेंट एंगल से देखने के लिए या नेविगेट करने के लिए, यानी रोटेशन के लिए, होल्ड दी राइट क्लिक बटन ऑफ योर माउस एंड मूव अराउंड। पैन अराउंड करने के लिए होल्ड द शिफ्ट बटन एंड लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक, या फिर मिडल माउस बटन से भी हो जाएगा। जूम इन जूम आउट के लिए स्क्रोल अप एंड स्क्रोल डाउन यूज कीजिए। एक बार मॉडल इंपोर्ट हो जाए तो उसका ओरिएंटेशन सेट करना ज़रूरी है। मॉडल को मैनिपुलेट करने के लिए लेफ्ट साइड में आपको कुछ बटन दिखेंगे, उनसे हम मॉडल को बिल्ड प्लेट पर मूव कर सकते हैं। मूव इस कमांड पर आपको 3 एक्सिस दिखेंगे, एक्स, वाई एंड जेड। इससे हम मॉडल को बिल्ड प्लेट पर कहीं भी पोजिशन कर सकते हैं, या फिर हम मैनुअली कोऑर्डिनेट्स इनपुट कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक लोकेशन। मूव के नीचे आपको स्केल बटन दिखेगा। स्केल बटन पर क्लिक करने पर आपको 3 एक्सिस दिखेंगे। यहाँ हम ऑब्जेक्ट को किसी भी एक्सिस में ड्रैग करके सिंगल डायरेक्शन या मल्टी डायरेक्शन स्केल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म स्केलिंग का ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो हर डायरेक्शन में सेम स्केल हो जाएगा। इससे अगर हम अनचेक करेंगे तो हम किसी एक सिंगल डायरेक्शन में उसे स्केल या स्ट्रेच कर सकते हैं। यहाँ पर स्नैप स्केलिंग का भी है, जो स्टेप इंक्रीमेंट में स्केल करेगा, और रीसेट बटन से ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। हम यहाँ पर मैन्युअली भी स्केलिंग का परसेंटेज इनपुट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स हो टू बी प्रिंटेड, तो सबको एग्जैक्ट स्केल रखने के लिए मैन्युअली एंटर करना होगा। नेक्स्ट आता है रोटेट। यहाँ पर भी हमें 3 एक्सिस फॉर रोटेशन दिखेंगे। इस एक हेड पर क्लिक करेंगे तो मॉडल 90 डिग्री से उस डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। अगर हम एक एक्सिस को पकड़ कर ड्रैग करेंगे तो मॉडल 15 डिग्रीज के स्टेप में रोटेट होगा, क्योंकि यहाँ पर स्नैप रोटेशन का बॉक्स चेक्ड है। हम इसे अनचेक करेंगे तो रोटेशन 1 डिग्री के स्टेप्स में होगा। या फिर अगर स्नैप रोटेशन ऑन है तो हम शिफ्ट बटन होल्ड करके भी 1 डिग्री स्टेप्स में रोटेट कर सकते हैं। रोटेट से आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। रीसेट से हमारा मॉडल अपने स्टार्टिंग ओरिएंटेशन में सेट हो जाएगा। ले फ्लैट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये एक फ्लैट सरफेस सिलेक्ट करके बेड पर ओरिएंट हो जाएगा। लास्ट है सिलेक्ट फेस टू अलाइन विद द बिल्ड प्लेट। ये ऑप्शन क्लिक करने के बाद हम ऑब्जेक्ट के किसी भी फेस पर क्लिक करेंगे तो वो फेस बिल्ड प्लेट पर अलाइन हो जाएगा। ये 3 बेसिक कमांड्स हो गए मॉडल को सेट और ओरिएंट करने के लिए। इसके बाद 3 ऑप्शंस हैं, मिरर, पर मॉडल सेटिंग एंड सपोर्ट ब्लॉकर्स। हम आगे की वीडियो में देखेंगे डिटेल्स में। अगर आपका मॉडल इंपोर्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट ऊपर ऐसे ही हवा में सस्पेंडेड है, तो प्रेफरेंस में कॉन्फ़िगर क्यूरा में जनरल टैब में जाके ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन मॉडल्स टू बिल्ड प्लेट ये ऑप्शन चेक कीजिए। इससे आपके मॉडल्स का बेड से कॉन्टैक्ट रहेगा। ये सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट जी ऑफसेट चाहिए फॉर प्रिंटिंग, ये जो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रिंट का एंड यूज़ फंक्शनल हो तो प्रिंट लेयर्स उस हिसाब से सेट होने चाहिए।
या ऐसे भी ओरिएंट कर सकते हैं कि जहाँ पर सपोर्ट स्ट्रक्चर्स मिनिमम लगे ताकि सरफेस क्वालिटी भी अच्छी आ जाए। यहाँ पर टॉप में आपको प्रिंटर नेम के राइट साइड में एक टैब दिखेगा जहाँ पर मटेरियल्स एंड नोजल का डिस्क्रिप्शन होगा। इस पर क्लिक करने पे हमें दो ऑप्शंस दिखेंगे, मटेरियल एंड नोजल साइज। मटेरियल ड्रॉपडाउन में आपको काफ़ी सारे ब्रांड्स फिलामेंट मैन्युफैक्चरर्स के नाम दिखेंगे, यहाँ से हम अपना मटेरियल सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको आपका फिलामेंट मैन्युफैक्चर ब्रांड नहीं दिख रहा तो जेनरिक में अपना फिलामेंट चूज़ कर सकते हो। मटेरियल सिलेक्ट हो जाने के बाद हमें अपने नोजल डायमीटर से सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली ये 0.4 mm नोजल स्टैंडर्ड होता है हर प्रिंटर में, बट अगर आपके प्रिंटर में 0.3 या 0.5 का नोजल लगा हो और आपने यहाँ पर सेटिंग चेंज नहीं किया तो एक्सट्रूजन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है जिससे प्रिंटर में इशू आ जाएगा। तो अपना नोजल प्रॉपरली सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ से हो जाएगा। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग क्वालिटी, लेयर हाइट और अदर कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स देखेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियो मिस ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप पेंटिंग।